उत्तर प्रदेश के हरदोई के थानों में शिकायतकर्ताओं की शिकायतों का निपटान प्राथमिकता के आधार पर हो तथा थानों में स्वच्छता बरकरार रहे को लेकर पुलिस अधीक्षक चौकस नजर आ रहे हैं, जिसके चलते पुलिस अधीक्षक ने अचानक दो थानों का निरीक्षण किया। उनके निरीक्षण से हड़कंप जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने थानों का रिकॉर्ड भी चेक किया तथा अधिकारियों व पुलिस कर्मचारियों को निर्देश दिए कि किसी भी फरियादी की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निपटान हो। पुलिस अधीक्षक के निरीक्षण के दौरान थाना परिसर के बैरिक व टॉयलेट में साफ सफाई नहीं दिखी, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक उखड़े भी नजर आए। साथ ही उन्होंने एक कर्मचारी से बाहरी व्यक्ति को अपने बैराक में बुलाने का सवाल भी किया, लेकिन कर्मचारी द्वारा स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया, जिसके चलते पुलिस अधीक्षक ने कर्मचारी से स्पष्टीकरण भी मांगा। बताते चले कि हरदोई के पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना मल्लावा व माधोगंज का अचानक निरीक्षण किया गया। पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स के निरीक्षण के दौरान थाना परिसर की बैरिक, आवास, टॉयलेट की साफ सफाई सही नहीं पाई गई। सफाई पर विशेष ध्यान देने के लिए थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया। थाने पर महिला हेल्प डेस्क पर कार्यरत महिला आरक्षी तनु को अच्छे कार्य के लिए पुरस्कृत भी किया गया। वहीं थाना परिसर में आरक्षी आशीष द्वारा बाहरी व्यक्तियों को अपने बैरक में बुलाने के बारे में पूछे जाने पर सही जवाब न देने पर स्पष्टीकरण तलब किया गया। हरदोई से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। डायरेक्शन दिया गया है आज? जी बिल्कुल, ये थाना मल्लावा का मेरे द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया है और थाने की सारे कैंपस को एक बार देखने के बाद थाने के अंदर जो अभिलेख होते हैं, जो हवालात है, जो स्टाफ है, उन सबसे उन चेक किया गया है, देखा गया है तो जो थाने स्तर पर जो कार्रवाई अपेक्षित है उनके बारे में उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। थाने के अभिलेखों को देखने से लगा है कि कुछ कार्रवाइयाँ यहाँ अपेक्षित हैं, जैसे जमीन संबंधी विवाद को और गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। जो अपराधी हैं टॉप 10 उन पर और कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। साथ ही ये भी आवश्यक है कि जो थाने स्तर पर व्यक्ति आता है उसकी सुनवाई सीधे रूप से की जाए, जिसका मैंने महिला हेल्प डेस्क का भी निरीक्षण किया है तो उसमें एक कॉलर से बात करके फीडबैक भी लिया गया है और उस फीडबैक में बात सही पाई तो थाने आया तो पुलिस ने उसकी बात सुन के आज घटना स्थल का निरीक्षण भी किया है। तो इसके अलावा भी यहाँ जनता के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, अपना थाने में जो मैस चलता है उसको देखा गया, जवानों के वेलफेयर की स्थिति को देखा गया। तो ओवरऑल इन सभी बिंदुओं मेरे द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसके बारे में और दिशा निर्देश विस्तृत रूप से जारी भी किए जाएंगे। सर, आज के निरीक्षण में कुछ कमियां पाई गई? हाँ, आज के निरीक्षण में कमियां पाई गई हैं, जैसे कि जो हमारा टॉप 10 का रजिस्टर था, जमीन संबंधी जो भूमि विवाद वाला रजिस्टर था, उन रजिस्टर्स में कमी पाई गई है, जिसके लिए संबंधित का स्पष्टीकरण भी तलब किया जा रहा है। साथ ही हमने यहाँ थाना परिसर में पाया कि कुछ लोग अनावश्यक रूप से हमें उस तरफ घूमते मिले जिनका कोई यहाँ कार्य नहीं था, उसके बारे में भी यहाँ ने संबंधित पुलिसकर्मी को बुलाकर पूछताछ की और उससे जानने की कोशिश की कि इस तरह से बैरक में क्यों किसी अनधिकृत व्यक्ति को बिठाया जाए, तो इस बारे में भी उनका स्पष्टीकरण लिया जा रहा है। तो ओवरऑल कोशिश ये है कि थाने पर अनुशासन का माहौल रहे और निष्पक्षता के साथ जनता की सुनवाई की जाए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets lie hai, incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.